चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय भारतीय विरासत से संबंध रखता है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जीएस के पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर से ये संबंध रखता है। आज का हमारा विषय है अनंत पाल द्वितीय और दिल्ली से उनका संबंध। इस विषय को जानने के दौरान हम देखेंगे कि ये आखिर हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों है, ये राजा अनंत पाल द्वितीय कौन थे और इनका दिल्ली से क्या संबंध है। इन सभी चीज़ों पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। भारत सरकार ने हाल ही में 11वीं सदी के तोमर राजा अनंत पाल द्वितीय की विरासत को संभालने के लिए और उसे जानने के लिए एक समिति का निर्माण किया है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, जो कि संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसने ये कार्य सारे करने प्रारंभ किए हैं, जिसके अंतर्गत इतिहासकारों, शिक्षाविदों और पुरातत्वविदों की मदद से इन कार्यों को अंजाम दिया जाएगा और इसके लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा ताकि इनसे संबंधित इतिहास को जाना जा सके। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि ये मिशन, यानी कि मिशन के लिए जो कमेटी बनी है ये क्या है, महाराणा अनंत पाल द्वितीय मेमोरियल कमेटी क्या है। इस कमेटी के अध्यक्ष जो हैं वो सांसद ब्रजभूषण सिंह है, इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी है और इस कमेटी का उद्देश्य जो है दिल्ली के संस्थापक के रूप में अनंत पाल द्वितीय को स्थापित करना है, जो कि वास्तव में इसके संस्थापक भी हैं। इसको एक तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, इस सारे काम को। इसके अंतर्गत जो अन्य कार्य जोड़े गए हैं उसमें दिल्ली हवाई अड्डे पर जो है अनंत पाल द्वितीय की मूर्ति की स्थापना करना शामिल है। इसके अलावा दिल्ली में उनकी विरासत को समर्पित करने के लिए एक संग्रहालय बनाने की बात भी इसमें शामिल है। इसमें और जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि जो संगोष्ठी के मौके पर आयोजित सिक्कों, शिलालेखों और अन्य जो साक्ष्य हैं, जिनमें साहित्य आदि भी है, इनको भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के माध्यम से विदेशों तक ले जाया जाना भी इसमें शामिल है, ताकि ये सारी जानकारियाँ विदेशों तक भी पहुँच सके। इसके अलावा लाल कोट, जिसका निर्माण अनंत पाल द्वितीय ने ही करवाया है, लाल कोट को, इसके अलावा जो लाल कोट का दिल्ली का किला है जिसे अनंत पाल द्वितीय ने ही बनवाया है, उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित स्मारक बनाने का काम भी किया जाएगा और वहां पर खुदाई का कार्य भी किया जाएगा ताकि वहां के पुरातात्विक साक्ष्य जुटाए जा सके। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि अनंत पाल द्वितीय कौन थे और इनके बारे में हम बात करेंगे। अनंत पाल द्वितीय का संबंध तोमर राजवंश से है, जो दिल्ली पर 8वीं से 12वीं शताब्दी तक शासन करता था। वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों में इनका शासन था। अनंत पाल प्रथम, जिन्होंने 8वीं सदी में तोमर वंश की स्थापना की थी, उनकी राजधानी जो थी अनंतपुर में थी, जो वर्तमान में फरीदाबाद में है, और अनंत पाल द्वितीय के समय में ये राजधानी दिल्ली में आ गई थी, जिसको उस समय पे ढिल्लिकापुरी कहा जाता था। तो उस समय की ढिल्लिकापुरी, जिसकी स्थापना अनंत पाल द्वितीय ने की थी, वो वर्तमान की दिल्ली ही है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इनको और किस किस चीजों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में तोमर शासन के संबंध में बहुत सारे शिलालेख और सिक्के बरामद हुए हैं और उनसे इस वंश की जानकारी मिलती है। साथ में तोमर वंश का जो संबंध है वो पांडवों से, यानी कि महाभारत काल से भी माना जाता है। अनंत पाल तोमर के बाद में जो यहाँ सबसे प्रसिद्ध राजा हुए थे दिल्ली के, वो थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान यहाँ के सफल शासक थे, जिनको तराइन के युद्ध में सल्तनत सेना का सामना करना पड़ा था और सल्तनत की सेना से 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में वो हार गए थे और उसके बाद में दिल्ली में 1192 के बाद सल्तनत काल की शुरुआत होती है और सल्तनत शासन यहाँ पर स्थापित हो जाता है। उससे पहले क्रमशः तोमर और फिर बाद में चौहानों का दिल्ली पर शासन हुआ करता था। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि अनंत पाल द्वितीय और दिल्ली, इनका आपस में क्या क्या संबंध है। सबसे पहले तो अनंत पाल द्वितीय 11वीं शताब्दी में अपने शासनकाल के दौरान दिल्ली को स्थापित करने वाले राजा थे और उनसे पहले यहाँ पर आबादी भी नहीं थी, तो इस इलाके को उन्होंने आबाद भी किया था। अनंत पाल द्वितीय इंद्रप्रस्थ को आबाद करने और इसे उसका वर्तमान नाम दिल्ली देने के लिए जाने जाते हैं। यह क्षेत्र उससे 11वीं शताब्दी से पहले खंडर था और 11वीं शताब्दी में जब ये सिंहासन पर बैठे
तो इन्होंने लाल कोट का किला बनवाया और अनंत ताल बावड़ी बनवाई। चार मुख्य चीजें हैं। दिल्ली को इन्होंने बसाया, वहां पर आबादी बनाई, इसे राजधानी बनाया। इसके अलावा लाल कोट का किला बनाया और अनंत ताल बावड़ी इन्होंने बनाई। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी खुदाई वगैरह पुरातात्विक साक्ष्य जुटाने के लिए हो चुके हैं। तो 1992 से 1995 के बीच लाल कोट और अनंत ताल, जो कि दक्षिणी दिल्ली में स्थित है, इस पर जो खुदाई की गई, इनमें अनंत पाल द्वितीय के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली, जिससे पता चलता है कि ये इलाका इनके द्वारा ही बसाया गया है। अनंत पाल द्वितीय दिल्ली का पुरी के संस्थापक माने जाते हैं और अंत इसके साथ ही बहुत सारे साहित्यिक साक्ष्यों में भी इनके बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि मध्यकालीन इतिहासकार हैं प्रोफेसर के ए निज़ामी। ये उर्दू में लिखते हैं और उनकी बहुत सारी पुस्तकों का अनुवाद जो है इंग्लिश में भी हुआ है। इन्होंने अपनी उर्दू की एक पुस्तक, जिसमें उन्होंने 6 शताब्दियों के बारे में लिखा है, जो कि 1300 से 1800 ईस्वी तक संबंध रखती हैं, इस अपनी पुस्तक में उन्होंने दिल्ली को इंद्रपद के रूप में वर्णित किया है। और साथ ही में उनकी पुस्तक के अनुसार दिल्ली औपचारिक रूप से केवल 11वीं शताब्दी में एक शहर बना था, यानी कि 11वीं शताब्दी से पहले वो कोई शहर नहीं था। और ये शहर तब बना जब तोमर राजपूतों ने पहाड़ी अरावली क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। तो ये इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है, जो कि मध्यकालीन इतिहासकार है। इसके बाद में हम देखेंगे कि प्राचीन किला जो लालकोट है उसका क्या इतिहास है और आज उसके क्या क्या रेलिवेंस है। दिल्ली का सबसे प्राचीन किला है ये लाल कोट, और ये तोमर शासक अनंत पाल द्वितीय ने बनवाया था 11वीं शताब्दी के मध्य में। इसकी ऊंची दीवारें बहुत ज़्यादा विशाल है और इसका जो प्रवेश द्वार है वो हाल फिलहाल में ध्वस्त हो चुका है और अभी ये सिर्फ खंडर और मलबों में तब्दील है। इसके साथ ही अगर इसके बारे में हम बात करें कि कितना इसका क्या परिधि वगैरह थी, तो इसकी जो प्राचीन दीवार की परिधि है वो 36 किलोमीटर है और इसकी जो दीवारों की मोटाई है वो अलग अलग है, कहीं पर 3 मीटर तक है, कहीं पर 9 मीटर तक है। इसका कुल क्षेत्रफल 7,63,875 वर्ग मीटर है और इसके बारे में हमें मेहरौली के लोह स्तंभ लेख शिलालेख से भी पता चलता है। इस शिलालेख में, जो मेहरौली का लोह स्तंभ शिलालेख है, इसमें कहा गया है कि अनंत पाल द्वितीय ने दिल्ली को बसाया था और उन्होंने लाल कोट को 1052-1060 ईस्वी के बीच में बनवाया था। ये जानकारी हमें मेहरौली के लोह स्तंभ लेख से मिलती है। इसके अलावा एक और किला है जिसको बोला जाता है किला राय पिथोरा। किला राय पिथोरा पृथ्वीराज चौहान से संबंध रखता है। जब तोमर राजवंश के बाद चौहान वंश दिल्ली में आता है तो उन्होंने लाल कोट का विस्तार किया और इसी विस्तारित रूप को राय पिथोरा कहा जाता है। पृथ्वीराज ने लाल कोट का विस्तार उसके आसपास के विशाल प्राचीर बना के किया था और प्राचीर बना के इसके जो इन्होंने दीवारें बनाई और उसमें और जो निर्माण कार्य कराए, उन सबको मिला के इसको राय पिथोरा कहा जाता है। और ये पूरा किला राय पिथोरा दिल्ली के तथाकथित 7 नगरों में से एक है। दिल्ली के तथाकथित 7 नगरों से मतलब ये है, जैसे पृथ्वीराज चौहान ने राय पिथोरा बनाया, उसी तरह से क्रमशः जब वहाँ पर शासक आते गए तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से यहाँ पे नगर बनाए, जैसे कि यहाँ फिरोज शाह कोटला भी है या फिरोज शाह उसको बोला जाता था। उसके बाद में मुगल काल के अंदर लाल किला, इसी तरह के 7 नगर हैं, उसमें से एक राय पिथोरा है जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किया था। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि अब बहुत सारे अभिलेख मिले हैं भारतवर्ष में, कहाँ कहाँ ऐसे अभिलेख मिले हैं जिसमें इन दिल्ली और चौहान वंश और तोमर वंश के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। तो अभिलेखों में अंकित शासकों के उल्लेख के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राजा विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, जो कि पृथ्वीराज चौहान से संबंध रखते हैं। 1153 से 64 के बीच में इनका कार्यकाल है, यानी कि शासनकाल है, और ये शाकंभरी आधुनिक सांबर के चौहान शासक थे। इनको विशाल देव और विशल देव के नाम से भी जाना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में काफ़ी सारे अभिलेखों से भी जानकारी मिलती है, जिनमें से एक है अशोक का स्तंभ लेख, जो कि अभी कोटला फिरोजशाह में है। इसमें बताया गया है कि ईस्वी सन 1163 या 64 के बीच में ये जो है विग्रहराज चतुर्थ का शासन विंध्य और हिमाचल के बीच की भूमि पर था, यानी कि विंध्य से
हिमाचल के बीच की जो भूमि है उस पर विग्रहराज चतुर्थ का शासन था। इसके अलावा उदयपुर जिले के अंदर बिजोलिया अभिलेख है, इसमें भी कहा गया है कि दिल्ली पर अधिकार किए जाने के बारे में उल्लेख किया गया है, जबकि अन्य अभिलेखों में कहा गया है कि दिल्ली पर तोमर और चौहानों द्वारा क्रमशः शासन किया गया था। दिल्ली पर तोमर शासन काल के स्मारक चिन्ह बहुत सारे पाए गए हैं, जिनमें अनंतपुर गांव के किले और पत्थर निर्मित बांध और लालकोट का दुर्ग आदि शामिल है। और इन्हीं सभी साक्ष्यों से हमें पता चलता है कि यहाँ पहले तोमरों का शासन काल था और उसके बाद में चौहान वंश का यहाँ पर शासन काल था। इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि लालकोट के उत्खनन के कार्य के बारे में क्या क्या हो रहा है, अभी तक ये शुरू हुआ है या नहीं वगैरह। लालकोट का उत्खनन जो है मेहरौली में योग माया मंदिर के पीछे किया जा रहा है, और यहाँ पर जो उत्खनन कार्य किया जा रहा है उसका उद्देश्य यही है कि इन दो राजवंशों के बारे में, स्पेशली जो संस्थापक है दिल्ली के तोमर वंश, उसके बारे में पुरातात्विक साक्ष्य जुटाए जा सकें। हालांकि ये भी सच्चाई है कि यहाँ अब केवल खंडर ही बचे हुए हैं, तो ये भी एक यहाँ पर पॉइंट है। इसके अलावा ये दिल्ली में तोमर वंश के भवनों के अवशेष भी हैं, जो खंडर यहाँ पर मिले हुए हैं। ये सारे खंडर खंडर के रूप में हैं, लेकिन ये दिल्ली में तोमर वंश के भवनों के अवशेष हैं। और ये उत्खनन के खंड बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं, बहुत छोटा इलाका ये नहीं है। और इन्हीं में से लालकोट के महल के अवशेष भी इन्हीं में शामिल हैं। 11वीं शताब्दी के इन अवशेषों का गंभीर क्षरण हो चुका है, ये अस्त व्यस्त हो चुके हैं। कारण इसका ये है कि इनकी साज संभाल नहीं की गई, इनकी देखभाल नहीं की गई, और उनका जो है इसी वजह से ये छत विछत हो चुके हैं। और इन यहाँ पर जो चीज़ें हमें देखने को वैसे मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि ये जो खंडर हैं वो किसी महल के हैं, तो वहाँ पाए जाने वाले नक्काशीदार स्तंभों से ये बात हमें पता चलती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे आज के प्रश्न को, जो कि संबंधित है अनंतपाल द्वितीय से। प्रश्न है, अनंतपाल द्वितीय से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, अनंतपाल द्वितीय तोमर वंश के थे। कथन दो, अनंतपाल द्वितीय को 11वीं शताब्दी में अपने शासनकाल के दौरान दिल्ली को स्थापित और आबाद करने का श्रेय दिया जाता है। कथन तीन, दिल्ली का सर्वाधिक प्राचीन किला लालकोट था, जिसे तोमर शासक अनंतपाल द्वितीय ने 10वीं शताब्दी के मध्य बनवाया था। उपरोक्त में से सत्य कथन है, विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी एक और दो, विकल्प सी दो और तीन, विकल्प डी एक दो और तीन। कमेंट सेक्शन में आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा, आप अपने उत्तर अवश्य दीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न को। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं है। इसका सही जवाब है बिहार। मुख्यतः ये कानून नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में लागू है और समय समय पर ये रिन्यू होता रहता है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। और हमारे इस वीडियो और अन्य वीडियो से संबंधित PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर सारे PDF उपलब्ध हैं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।